जी हाँ, ये रोड जो आप देख रहे हैं ये बेनीपट्टी मधुबनी से होकर सोली पुल पाली चौक होते हुए पुपरी सीतामढ़ी की तरफ ये रोड जाती है और यहाँ पर एक नदी है और नदी के समीप एक नहर है। तो इस नहर के सामने यहाँ के स्थानीय लोग जो है जो जमीन का मिट्टीकरण कर अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं माननीय DM साहब और प्रशासन अधिकारियों से निवेदन करूँगा कि सोली पुल पाली चौक पर एक बार आकर इस जगह का सर्वे जरूर करें। तो चलिए, यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम सारे मामला जानते हैं। क्या है मामला? तो नमस्ते नमस्कार। देखिए, ऊपर से NH 52 गया हुआ है जो बेनीपट्टी मधुबनी से पुपरी सीधे जाता है बसेठा होते हुए SH 52, और ये नीचे पुल दिया गया है जो गांव बगल में एक नहर है और दूसरा इसके बगल में जो है ना, यहाँ से जो पुला है बड़ा सा वो वाला धौंस नदी के ऊपर से है और धौंस नदी में हमेशा हर एक बार बारिश के समय में पानी आ जाता है और पूरा जम जाता है। और आप लोग देख सकते हैं कि जो ये पानी को जो सप्लाई करता था इस साइड से उस साइड, उसको ही जाम किया जा रहा है यहाँ पे मिट्टी डाल के। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये जमीन जो है हेलो जमीन PWD है, बिहार सरकार का ये जमीन है। देखिए, इन लोगों से पूछते हैं। हाँ, आप बताइए क्या नाम है आपका? विष्णुजीत कुमार। आप ये चीज बताइए, जो मिट्टी भरा है, जो मिट्टीकरण यहाँ पे हो रहा है, ये मतलब ये जमीन जो है किसी का निजी जमीन है या सरकारी जमीन है? कैसा है ये? PWD है। अच्छा, और इसमें मिट्टीकरण हो रहा है? मिट्टीकरण इसके लिए हम बोले, गाछ भी काट दिया गया है, जो बहुत गाछ काटा गया है उसके लिए हम मतलब इधर खाली रहेगा कि इधर भी मिट्टीकरण होगा? को भी कंप्लेन किए हुए हैं, एप्लीकेशन हमको बोले, जो एप्लीकेशन जब तक नहीं दीजिएगा कोई सुनवाई नहीं होगा। हम एप्लीकेशन भी दे दिए हुए हैं, एप्लीकेशन देने के बाद हम रिसीविंग भी रखे हुए हैं, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, रह गया जो मीडिया वाले से ही बात हुए थे, जो बोले हुए थे, जो आकर के हम भी आए हुए थे, देख करके गए, जा रहे हैं इसका। सुनिए, बगल में मुझे सरकारी स्कूल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम जूम करके आप लोगों को दिखा देते हैं। बगल में सरकारी जमीन है, सरकारी स्कूल है और बगल से रास्ता गया हुआ है और एक टोला भी, आबादी भी साइड में है, इनका कहना है आबादी भी। बताइए, उस आबादी के बगल से पूरा नदी गया है और इधर जो है यहाँ पे एक नहर भी गया हुआ है और यहाँ पे मिट्टीकरण हो रहा है, सरकारी जमीन भी भरा जा रहा है, यहाँ पे इन लोगों का कहना है। देखिए, और ये जब जाम हो जाएगा तो इधर ही लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, है ना, जब बारिश का समय है, जब पानी आएगा तो। ऐसा आदमी यहाँ भरा ना कह रहा, हम पूरा गामा है, मतलब हमारे पास प्रॉपर्टी डीलर है, तभी सरकारी जमीन भर रहा है। सुनिए ना, गरीब का हक मानना है। सुनिए ना, अभी आगे बसे तो चलेगा, गामा आके बसेगा आपको अच्छा लगेगा? सुनिए ना, सबसे पहली बात ये भी है जी, जो वो कह रहे हैं जो तुम्हारा क्या औकात है, औकात तो खैर हम अपने आप में कहते हैं, जो हम भी ना किसी हम ना किसी दूसरे का औकात तोल सकते हैं, ना मेरा औकात कोई तोल सकता है। वो औकात तोलने वाला तो ऊपर वाला है कि रह गया जो रियलिटी है आपका है, तो आप पेपर दिखलाइए, भरिए। लेकिन यहाँ पे पेपर नहीं दिखलाया गया। और यहाँ पे जो मिट्टीकरण हो रहा है उसके बारे में आपको क्या जानकारी और क्या मतलब बताना चाहेंगे हमारे कैमरा के सामने? जो ये बगल में सरकारी है, तो अगर सरकारी है तो सभी आदमी का, जो गरीब है उसका हक बनता है, जो गरीब है उसको रखा या नहीं, तो कोई सरकारी काम में ये चीज हो जाना चाहिए। यहाँ पे बगल में बनाया हुआ था, गरीब आदमी है, बनाया हुआ था, उसका झोपड़ी नोच दिया गया और ये भर लिया। अच्छा, इसको भी जाम, पुला को भी जाम कर दिया है। यहाँ पे मंदिर है, दसगर्दा के काम होगा, लेकिन दसगर्दे वाला काम को तो बंद किया जा रहा है, दसगर्दा काम होगा।